का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज से पहले ना इस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन की गई है मेरी तरफ से, ना ही आज से पहले अभी इसके बारे में मेरे से डिस्कशन की गई है, और अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है विजिबिलिटी का। अगर एक सेलर काम कर रहा है ना, तो वो सिर्फ अपनी विजिबिलिटी के लिए काम कर रहा है। अगर एक दुकानदार काम कर रहा है तो वो अपने ग्राहकों के लिए काम कर रहा है। अगर एक होलसेलर काम कर रहा है तो वो अपने सप्लायर के लिए काम कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों विजिबिलिटी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे ना, कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको रीच उतनी नहीं मिलेगी, अगर आपने एक यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब चैनल में आप मेहनत कर रहे हैं पर आपको उतनी रीच नहीं मिल रही है, बट आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, उनको सही करने के लिए आप अलग अलग टिप्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि मेरे को ऐसी वीडियो नहीं, ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक है विजिबिलिटी इन ऑनलाइन बिजनेस। आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, प्रोडक्ट एक्टिव हो गए, बट प्रोडक्ट विजिबल नहीं है, तो उसका फायदा क्या? प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, प्रोडक्ट एक्टिव हो गए, प्रोडक्ट विजिबल भी हैं पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उसका फायदा क्या? ये चीज कह रहा हूं मैं आपसे। अगर प्रोडक्ट विजिबल भी हैं तो उतनी रीच तक क्यों नहीं है, या तो उसमें कुछ और इशू है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल क्या इश्यूज होते हैं फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, पेटीएम में, स्नैपडील में, शॉपक्लूज में, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं आपको, जिससे ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी लोगों तक पहुंचे। पहली चीज, आपको लिस्ट करने हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अभी सपोज कीजिए साल डेढ़ साल पहले टॉयज में आए थे स्पिनर्स, कि आपको स्पिनर्स लिस्ट करने हैं कि उसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद आए थे अभी पबजी के कुछ होल्डर आए थे, पबजी गेम के, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद क्लोथ्स में टी शर्ट्स वगैरह बड़ी चलती हैं, और शूज़ में स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह बहुत चलते हैं, तो बाकी शूज़ भी काफ़ी चलते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो ट्रेंड में प्रोडक्ट होगा उसको आप लिस्ट करिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। आपकी कैटेगरी में वो फॉल करता है तो ठीक, दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है तो आप उसमें अगर लिस्ट कर सकते हो तो करिए, उसके पीछे मत हटिए। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट लिस्टिंग मस्ट बी वेरी एक्सपेक्ट। जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप करेंगे वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लिस्टिंग कैसे करते हैं? लिस्टिंग करने के लिए आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें, प्रोडक्ट का प्राइस लिखें, कॉम्पिटेटिव लिखें प्राइस, साथ में उसमें ब्रीफ पॉइंट्स डालिए, बुलेट पॉइंट्स डालिए कि उसकी इमेजेस अलग अलग होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो दोस्तों दूसरा भी सपेट इन प्रमोशन। तो दोस्तों सबसे पहले एक सेलर को जान लेना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन में पार्टिसिपेट लेना होगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट के हों, चाहे अमेजोन के हों, चाहे वो स्नैपडील के हों, किसी भी कंपनी के हों। प्रमोशंस में क्या होता है कि आपको अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट देना होता है और आपकी लिस्टिंग ऊपर दिखाई जाती है, आगे दिखाई जाती है, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, जहां ज़्यादा विजिबल हो वहां दिखाई जाती है। तीसरी चीज़, आपको जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखना होगा, जिससे आपकी लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच सके। और आपकी जो लिस्टिंग में टैब ऊपर होते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट में चेक करोगे तो न्यू, लेटेस्ट, पॉपुलर और लो टू हाई, हाई टू लो। अगर आपके प्रोडक्ट हाई टू लो में है तो वहाँ पे दिखेंगे, लो टू हाई में तो वहाँ दिखेंगे, या पॉपुलर या रेटिंग्स वाले में अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ दिखेंगे। ये अपने प्राइस को इतना कॉम्पिटिटिव रखिएगा कि आपके प्रोडक्ट खुलते ही टॉप पे आए। खुलते ही टॉप पे आने का क्या मतलब हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की रिव्यू और रेटिंग दोनों अच्छी है और ऑर्डर्स भी उसी के हिसाब से आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कुछ शूज़ आपने लिस्ट कर लिए, शूज़ से मिलते जुलते कुछ कीवर्ड हो, स्पोर्ट शूज़, एडिडास शूज़, शूज़ का ब्रांड का नाम जो खुद का आप बना रहे हैं वो, शूज़ फॉर रनिंग, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीवर्ड्स का, जिससे आप आगे और प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है FBA में, अमेजोन में डाल लिए,
डाल दीजिए, या ऐप जो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज हैं जिसमें फ्लिपकार्ट एश्योर्ड आ जाता है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेंड करिए। वहाँ पे आपको एक बैच मिल जाएगा, अमेजोन में प्राइम का, फ्लिपकार्ट में एश्योर्ड का, दोनों का बैच मिल जाएगा। जो आप प्रोडक्ट सेंड करेंगे उसकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्ट्स की रेटिंग अच्छी हो जाएगी, रिटर्न्स कम हो जाएंगे, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको अपने प्रोडक्ट्स वहाँ तक पहुँचाने हैं। जो करेगा वो फ्लिपकार्ट करेगा, अमेजोन करेगा, आप बस चेकआउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज रिव्यू एंड रेटिंग। एक सेल से पहले का टाइम होता है जहाँ पे फ्लिपकार्ट या पेटीएम या अमेजोन अपना आरटीडी ब्रीच टाइम 2 बजे के बाद कर देता है। वहाँ पे ऑर्डर सेलर्स को ज़्यादा आने लग जाते हैं, सेलर्स के ज़्यादा आने लग जाएंगे ऑर्डर्स, तो उसके साथ साथ उसके रिव्यूज़ बढ़ जाएंगे, उसकी रेटिंग्स बढ़ जाएंगी, सेल जब सेल का टाइम आएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यही एक प्रोसीजर रोटेशनल होता है। पहला सीज़न दिवाली गया, दूसरा सीज़न दिवाली गया, तीसरा सीज़न आ गया दिवाली का, फिर से मतलब 3 साल हो गए राउंड सर्कल में, तो उसी प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी होगी, गंदी होगी, मीडियम रहेगी, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, कितनी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है। अगर वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आप सेंड कर रहे हैं पॉली बैग में कर रहे हैं, इजीली डैमेज है, अगर वो प्रोडक्ट डैमेजेबल है तो, ब्रोकेबल है तो, अगर वो प्रोडक्ट बॉक्स में पैक कर रहे हैं, बबल रैप लगा रहे हैं, कस्टमर भी चेक कर रहे हैं यार उसने तो बॉक्स में पैक करके दिया है, बबल रैप भी लगाया है, पैकिंग कितनी अच्छी करी है, नेक्स्ट टाइम इसी से ऑर्डर करूँगा, ये मैटर करता है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स मिला के एक सेलर को उसके प्रोडक्ट के साथ जोड़ता है और एक प्रोडक्ट को उसके कस्टमर के साथ जोड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे इसी चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप अपने क्वेश्चंस को अपने यूट्यूब चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस वहाँ पे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इसी वीडियो में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड हो, पूछना हो, लिखिए, पूछिए, जानिए आगे क्या देखते हैं इसमें, ऑनलाइन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या अपडेट आती हैं, मैं आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू।